Sunil. I welcome you all to my YouTube channel. This video is for class 12 ISC students. In this video we will discuss about the integration of some special integrals. So let us consider the integration of special integrals. So these integrals will be in fractional forms. So let us do the integration of three special integrals. We will not only be writing or getting the formula, we will be doing the integration of the integrals and get the formula, which will be very beneficial in doing the questions of the exercises. आज हम लोग स्पेशल टाइप के इंटीग्रल्स को इंटीग्रेट करना सीखेंगे, एक फार्मूला बनाएंगे और उस फार्मूले को हम एक्सरसाइजेस में यूज करेंगे, जो कि आगे बहुत बेनिफिशियल होगा हमारे लिए. सो लेट अस लर्न द इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स रिटन इन फ्रैक्शनल फॉर्म. The first one, integration of 1 upon x square minus a square dx. My dear students, you can learn the integration only when you have the idea of differentiation. आप इंटीग्रेशन तभी कर पाओगे जब आपको डिफरेंशिएशन का आइडिया हो, जब आपको पता हो कि किसी एक्सप्रेशन को, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे क्या रिजल्ट आता है, तभी आप किसी दिए हुए फंक्शन को इंटीग्रेट करके रिजल्ट ला पाओगे. क्योंकि जो वैल्यू आप डिफरेंशिएट करके लाते हो, उस वैल्यू का इंटीग्रेशन ही रिजल्ट में आता है. आई मीन, अगर आपके पास कोई फंक्शन एफएक्स है, आप इसको डिफरेंशिएट किए तो रिजल्ट आया एफ डैश एक्स. तो अगर यदि f डैश x का इंटीग्रेशन आप करोगे तो रिजल्ट वापस पुनः एफ एक्स आएगा और साथ ही साथ कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जिसको हम सिंबल c के साथ लिखते हैं. एफ एक्स का d बाई डी एक्स एफ डैश x और f डैश x का इंटीग्रेशन एफ एक्स, ये आपको पता होना चाहिए. तो चलिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन सीखें. इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इस फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शन में तोड़ेंगे और वो दो फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होंगे जिनके डिनोमिनेटर लीनियर एक्सप्रेशंस होंगे. ये नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है. तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मैं इस फ्रैक्शन को स्प्लिट करने जा रहा हूं दो डिफरेंट फ्रैक्शंस में जिनके डिनोमिनेटर लीनियर एक्सप्रेशंस होंगे. तो मैं कोशिश कर रहा हूं इसको 1 अपॉन x माइनस a और 1 अपॉन x प्लस a के फॉर्म में लिखने का. अगर मैं दो फ्रैक्शंस 1 अपॉन x माइनस a और 1 अपॉन x प्लस a लिख लिया, वेट, अगर मैं 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को 1 अपॉन x माइनस a और 1 अपॉन x प्लस a के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो मुझे यहां पे सब्ट्रैक्शन करना. अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा
तो इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आएगा इनका प्रोडक्ट, जो कि ये बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के दो लीनियर फैक्टर्स आएंगे, x प्लस ए और x माइनस ए। तो मैंने x माइनस ए और x प्लस ए लिख लिया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो जानते हो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा हियर x प्लस ए फिर माइनस x प्लस ए। तो न्यूमरेटर में आपको 2a मिलेगा, लेकिन यहाँ तो 1 है, इसलिए आपको यहाँ पे 1/2a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स ये एक सिंगल फ्रैक्शन दो फ्रैक्शंस में स्प्लिट हो गया। अब आप सोचोगे इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये जो दो फ्रैक्शंस आपको मिले, इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एक लीनियर फैक्टर है, लीनियर एक्सप्रेशन है, यहाँ पे नॉन लीनियर एक्सप्रेशन। आप 1/x का इंटीग्रेशन जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो आप डिफरेंशिएशन log x का जानते हो। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। तो ये 1/x टाइप का हो गया, इसका इंटीग्रेशन log में आएगा, इसका इंटीग्रेशन भी log में आएगा। Therefore, to get the integrated form result of this expression, you will have to split this into two fractions with the help of this process. So this expression, which is 1/x² - a², can be split to the two fractions as 1/x - a - 1/x + a multiplied by 1/2a dx। अब आपके पास इंटीग्रेशन करने को आसानी से एक्सप्रेशन मिल गए। अब आप क्या करोगे, 1/2a multiplied by इंटीग्रेशन आप 1/x - a dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + a dx। अभी मैंने आपको बताया कि log x का d by dx डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रैक्शन विल बी log x - a mod x - a, the integration of this one will be minus log x + a bracket close plus c, and I hope you know that log of a minus log of b can be written as log a by b। So using the properties of the logarithm, this difference of logs can be written as the in the form of log of a by b. So 1/2a into log x - a upon x + a plus c। तो आपके सामने मैंने इस फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करके ला दिया। अब आप कह सकते हो कि आपके पास एक फार्मूला आ गया जो इस तरह के इंटीग्रल्स को इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा। तो आप क्या कहोगे, 1/x² - a² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/2a इंटू log x - a upon x + a under mod plus c। ये एक फार्मूला बन गया। तो जब आपके पास 1/x² - a² का इंटीग्रेशन करना होगा तो आप क्या करोगे, आप ये फार्मूला यूज करोगे। इस